साल 2022 कॉमिक बुक मूवीज की हिस्ट्री में रिकॉर्ड बना गया और 2023 भी उसी राह पे, जहां एक तरफ मार्वल स्टूडियोज ने इन्फिनिटी सागा से आगे मल्टीवर्स को एक्सपेंड किया है कई मूवीज और शोज के साथ, वहीं पर वार्नर ब्रदर्स डीसी यूनिवर्स में कुछ न्यू कैरेक्टर्स और मूवीज के सीक्वल्स लाए हैं। ऑल्दो जेम्स गन के डीसीयू को ज्वाइन करने के बाद इन मूवीज का आगे का फ्यूचर कन्फर्म नहीं है, और सोनी ने अपने स्पाइडरमैन राइट्स का फायदा उठाते हुए एक और सीक्वल और एक न्यू कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस कर ही लिया। तो डीसी की 4 मूवीज, एमसीयू की 3 मूवीज, सोनी की 2 और पैरामाउंट की एक स्पेशल एंट्री मिला के टोटल 10 सुपर हीरो मूवीज होंगी 2023 में। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और ये है 2023 की सभी अपकमिंग सुपर हीरो मूवीज, उनकी रिलीज डेट्स और स्टोरी लाइन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। Ant-Man and the Wasp: Quantumania। साल की शुरुआत होगी MCU Phase 5 की फर्स्ट मूवी से। स्कॉट लैंग और होप वैन डाइन Ant-Man और Wasp के रूप में फिर से लेके जाएंगे हमें एक एपिक एडवेंचर पे, लेकिन इस बार उनके साथ होंगे होप के मम्मी पापा यानी कि हैंक पिम और जेनेट वैन डाइन, और साथ ही स्कॉट की बेटी केसी लैंग भी, मतलब की पूरी फैमिली पिकनिक। बट ये पिकनिक पार्क में नहीं, क्वांटम रेल्म में होगी। जैसा की मूवी का नाम ही है Quantumania, हम घुसने वाले हैं इस मिस्टीरियस और अनएक्सप्लेन्ड क्वांटम रेल्म में। बट केसी इस मूवी से डेब्यू करेगी एक यंग एवेंजर स्टैचर के रूप में। मूवी का ट्रेलर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, जिसका ब्रेकडाउन आप कार्ड से चेकआउट कर लेना। और ऑफ कोर्स एक बिग बैड विलन फेज 4 में मिसिंग होने के बाद सीधे फर्स्ट मूवी से ही एंट्री कर रहा है, जो फेज 6 के एंड तक टिका रहने वाला है, और वो है कैंग द कॉन्करर। लोकी सीजन 1 के फिनाले के बाद जहां लोकी के मना करने के बावजूद सिल्वी ने ही हू रिमेंस को मार दिया था, जिससे सेक्रेट टाइमलाइन ब्रेक हो गई और रिवील हुआ है कैंग। ये मोस्ट प्रोबेबली द मल्टीवर्स सागा की सबसे इंपॉर्टेंट मूवी है, जो फेज 5 और 6 की इस कंप्लीट जर्नी को एक डायरेक्शन देगी। Ant-Man and the Wasp: Quantumania रिलीज होगी 17 फरवरी 2023 को। Shazam Fury of Gods नेक्स्ट एंट्री है मार्च में DCEU, या फिर अब DCU की साल की फर्स्ट मूवी Shazam Fury of Gods। DC की हिट फिल्म Shazam के सीक्वल में हमारा चाइल्ड हीरो बिली बैटसन और उसके फॉस्टर सिब्लिंग्स, जिन्हें उसने मूवी के एंड में पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, अब इन सभी को फिर से इकट्ठा होना पड़ रहा है एक सुपर हीरो टीम के रूप में, कॉज इनका वर्ल्ड फिर से है खतरे में। इस बार इनका सामना विलन से नहीं गॉड से है, यानी कि गॉड एटलस की 3 डॉटर्स के साथ। ऐसी पावरफुल सुपर विलन जो Shazam की पावर्स ह्यूमंस को मिलने की वजह से खुश नहीं है, और इसी चीज का बदला लेने के लिए वो अर्थ पे बाकी ह्यूमंस पे हमला करते हैं। ऑल्दो Shazam Fury of Gods एक फन मूवी है जिसका सीक्वल भी प्लान था, बट फिलहाल के लिए उसपे भी तलवार लटकती दिख रही है, तो अभी के लिए हो सकता है कि ये Shazam की लास्ट मूवी हो। Shazam Fury of Gods रिलीज होगी 17 मार्च 2023 को। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी सीरीज में वॉल्यूम 3 थर्ड मूवी होगी। मूवी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है एंड यस, ब्रेकडाउन कार्ड से बाद में चेकआउट कर लेना। ये मूवी फॉलो करती है पीटर क्विल यानी कि स्टार लॉर्ड और उसकी अतरंगी टीम की जर्नी को, जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल के हिसाब से अब नोवेयर के ओनर्स बन चुके हैं। लेकिन नोवेयर पे अटैक के बाद जो मोस्ट प्रोबेबली एक न्यू एंट्री एडम वॉरलॉक ही करता है, जिसे भेजा है सोवेन ने वॉल्यूम 2 की इवेंट्स की वजह से गार्डियंस की टीम से बदला लेने के लिए। बट अब इस टीम को फाइनली पता चलता है उनकी भूली बिसरी मेंबर गमोरा की लोकेशन, जो थैंक्स टू अवेंजर्स एंड गेम की टाइम हाइस्ट एक अल्टरनेट टाइमलाइन में पहुंच चुकी है। तो एक डेंजरस मिशन पे चल पड़ी इस टीम को अंदाजा भी नहीं है कि शायद एज अ टीम ये इनका लास्ट मिशन हो सकता है। मतलब सच में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 गार्डियंस की इस करंट टीम की लास्ट मूवी होगी, और फ्यूचर में ये टीम एमसीयू में रहेगी जरूर, बट कुछ पुराने और कुछ न्यू मेंबर्स के साथ, और मोस्ट इंपोर्टेंटली इस मूवी में कुछ मेंबर्स मारे भी जाएंगे। एक्शन, एडवेंचर और ह्यूमर से भरी ये मूवी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 रिलीज होगी 5 मई 2023 को। स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स SSU यानी कि सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स की फर्स्ट मूवी है एक एनिमेटेड सीक्वल स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स का। 2018 की स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स ने स्पाइडरवर्स के अलग अलग स्पाइडरमैन इंट्रोड्यूस किए, जो आए थे मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर माइल्स मोरल्स के यूनिवर्स में, एंड उसी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स माइल्स मोरल्स को लेके जाएगी स्पाइडरवर्स में। मूवी की स्टोरी फॉलो करेगी माइल्स मोरल्स को, जब वो फॉलो करते हुए दिखेगा उसके लव इंटरेस्ट और बेस्ट फ्रेंड ग्वेन स्टेसी को, और दोनों मिलके जाएंगे एक मिशन पे हर यूनिवर्स के स्पाइडर पीपल को एक मिस्टीरियस विलन से बचाने के लिए। ये मिशन माइल्स और ग्वेन को लेके जाएगा मल्टीवर्स की जर्नी के थ्रू, जहां वो मिलेंगे स्पाइडरमैन के कई अल्टरनेट वर्जन से, जिन्हें जाना जाता है स्पाइडर फोर्स के नाम से, और जितने ज्यादा लोग उतने उनके काम करने के तरीके अलग। इस चीज से फ्रस्ट्रेट होते हुए माइल्स और ग्वेन किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं और क्या मल्टीवर्स की बाकी स्पाइडर फोर्स को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, वही हमें देखने मिलेगा इस मूवी में। स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स रिलीज होगी 2 जून 2023 को।
द फ्लैश। डीसीयू की सेकंड एंट्री है स्पीडस्टर फ्लैश के रूप में। डीसी कॉमिक्स कैरेक्टर पे बेस्ड ये मूवी फॉलो करेगी जस्टिस लीग में इंट्रोड्यूस हो चुके कैरेक्टर बैरी एलन को, जहां वो टाइम ट्रेवल करता दिखेगा पास्ट में एक अननोन किलर को उसकी मदर को मारने से रोकने के लिए। और ऐसा करने के लिए वो यूज करेगा अपनी सुपर स्पीड पावर्स, जिसकी एक झलक हमें जस्टिस लीग के क्लाइमैक्स में दिखाई गई थी। बट उसके इन एक्शन से कुछ खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं प्रेजेंट में, ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस जो प्रेजेंट के सुपर हीरोज के एग्जिस्टेंस को ही खत्म कर सकते हैं। डीसी कॉमिक बुक स्टोरी लाइन फ्लैश पॉइंट पे बेस्ड ये फिल्म फुल ऑफ एक्शन, ड्रामा और टाइम ट्रेवलिंग एडवेंचर होगी। और ऐसे में प्रेजेंट की टाइमलाइन में कौन सा सुपर हीरो रहता है और कौन सा गायब हो जाता है, ये मूवी में ही पता चलेगा। बट एक मिनट, क्या डीसीयू इसी चीज का फायदा उठा के आगे डिसकंटिन्यूड होने वाले सुपर हीरो मूवीज जैसे कि हेनरी कैविल का सुपरमैन, रॉक का ब्लैक एडम, जेसन मोमो का एक्वामैन और गैल गैडोट की वंडर वुमन, इन सभी कैरेक्टर्स को गायब कर देगा? By the way, DCU की 13th मूवी द फ्लैश रिलीज होगी 16 जून 2023 को। द मार्वल्स MCU की 2023 की लास्ट मूवी होगी द मार्वल्स, क्योंकि नवंबर में रिलीज होने वाली ब्लेड मूवी रीशेड्यूल कर दी गई है 6 सितंबर 2024 को। कैरल डेनवर्स यानी कि कैप्टन मार्वल, कमाला खान यानी कि मिस मार्वल और मोनिका रैम्बियू यानी कि मोनिका रैम्बियू, मतलब यार बंदी का कॉमिक्स में सुपर हीरो नाम है अच्छा खासा, स्पेक्ट्रम। MCU ने उसको अभी तक वो क्यों नहीं दिया है मुझे नहीं पता। तो मूवी डिज्नी प्लस शो मिस मार्वल के एंड क्रेडिट को, जहां कमाला खान की जगह स्वैप होकर आ गई थी कैरल डेनवर्स, उसी स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए तीसरी मेंबर मोनिका रैम्बियू को भी इंक्लूड करेगी और ये तीनों बस एक दूसरे की जगह स्वैप होते हुए दिखेंगे। ऑल्दो मूवी के प्लॉट की कुछ डिटेल्स मुझे पता है वो बता देता हूँ। जब कैरल डेनवर्स एक क्री रेबल को पकड़ने के चक्कर में एक अजीब से वॉर्म होल के थ्रू जाती है, तो उसकी पावर्स इंटरवाइंड हो जाती है कमाला और मोनिका के साथ, मतलब सारी गलती कैरल की है। अब ये क्यों हो रहा है और कैसे और ये मिस्ट्री आखिर है क्या, वही सॉल्व होगा इस मूवी में, जहां ये तीनों जो ऑलमोस्ट एक दूसरे से अननोन है, हां कैरल मोनिका को जानती है बट उस टाइम मोनिका छोटी बच्ची थी एंड कमाला तो पैदा भी नहीं हुई थी। अब ऐसे तीन कैरेक्टर्स को एक साथ आके इस सिचुएशन और एक न्यू तरह के कॉस्मिक विलन से भिड़ना होगा और साथ ही टीम वर्क भी सीखना पड़ेगा। इन तीनों की तिगड़ी बनाती है द मार्वल्स की टीम, जिसे हम थिएटर्स में देखेंगे 28 जुलाई 2023 को। टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स म्यूटेंट मेहम, शेल किकिंग सुपर हीरो एक्शन के साथ वापसी होगी पैरामाउंट प्रोडक्शन के निंजा टर्टल्स की। निंजा टर्टल्स लियोनार्डो, डोनाटेलो, माइकल एंजेलो और राफेल की इस TMNT टीम को हमने लास्ट टाइम बड़ी स्क्रीन पे देखा था 2016 की मूवी TMNT आउट ऑफ द शैडोज में। बट इस बार एक्चुअल की टीनेज कास्ट के साथ टर्टल्स वापसी कर रहे हैं अपने मेंटर स्प्लिंटर और उनकी ह्यूमन एलाय अप्रिल ओनील के साथ। इस सीरीज के फैंस कॉमिक्स और एनिमेटेड टीवी शोज से बने थे, जिनमें से एक मैं भी था। फास्ट एक्शन, खूब सारा फन और निंजा स्किल्स के साथ टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स म्यूटेंट मेहम रिलीज होगी 4 अगस्त 2023 को। ब्लू बीटल 2023 में डीसीयू की थर्ड एंट्री है एक कीड़ा ब्लू बीटल, एक ब्रांड न्यू सुपर हीरो डीसी कॉमिक्स से एंट्री करेगा एक न्यू कैरेक्टर ब्लू बीटल के रूप में। ये कहानी है जेमी रेस की, जो एक मैक्सिकन अमेरिकन टीनेजर है। वो डिस्कवर करता है एक मिस्टीरियस रोबोटिक स्कैरब जो उसकी स्पाइन के साथ फ्यूज हो जाता है और देता है उसको एक पावरफुल सूट ऑफ आर्मर समन करने की एबिलिटीज। बट ये आयरन मैन की तरह मेटल और AI से कनेक्टेड सूट नहीं है, एक मैजिकल एलियन पावर वाला स्कैरब का अपना माइंड भी है। यानी कि जहां जेमी इस स्कैरब की पावर्स को कंट्रोल कर सकता है, वैसे ही स्कैरब भी जेमी को कंट्रोल कर सकता है। क्यों ये प्लॉट किसी और मूवी की स्टोरी की याद दिला रहा है, बट हाँ यही सिचुएशन इस जर्नी को एक्साइटिंग बनाती है। स्पेशली ब्लू बीटल का सूट जो बाकी सभी सुपर हीरोज के सूट से बहुत डिफरेंट और कूल है। अब ऑल्दो इस कैरेक्टर का स्कैरब कनेक्शन ब्लैक एडम या फिर शज़ाम के साथ दिखाया जा सकता था, बट खैर अभी क्या ही बोलूं DCU की करंट कंडीशन के बारे में। ब्लू बीटल मूवी रिलीज होगी 18 अगस्त 2023 को। क्रेवन द हंटर SSU की सेकंड मूवी एंट्री करवाएगी एक एपिक विलन क्रेवन की। क्रेवन द हंटर इंट्रोड्यूस करेगी स्पाइडरमैन कॉमिक्स के आइकॉनिक विलन क्रेवन को। 2022 की मॉर्बियस ने ये प्रूव कर दिया है कि स्पाइडरमैन कैरेक्टर क्यों मार्वल स्टूडियोज के पास ही होना चाहिए। बट खैर सोनी कहां रुकने वाला है, मार्वल स्टूडियोज में पियत्रो मैक्सिमोफ का रोल कर चुके एक्टर एरन टेलर जॉनसन को इस विलेनियस कैरेक्टर के लिए कास्ट किया गया है। ये मूवी बेस्ड होगी स्पाइडरमैन की पॉपुलर कॉमिक बुक सीरीज क्रेवन्स लास्ट हंट पे, जो फॉलो करेगी एक रशियन इमिग्रेंट सर्जी क्रेवनोफ AKA क्रेवन की जर्नी, जहां वो प्रूव करने की कोशिश करेगा कि वो वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट हंटर है। अब स्टोरी के हिसाब से ये मूवी पोटेंशियल रखती है एक ब्लॉकबस्टर हिट होने का। ओनली सोनी किसी तरह से मल्टीवर्स का प्रॉपर यूज करके एक न्यू स्पाइडरमैन को इस अल्टरनेट यूनिवर्स में ला पाए तो मे बी एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को, बट फिलहाल के लिए कंफर्म कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्रेवन द हंटर रिलीज होगी 6 अक्टूबर 2023 को।
एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम। डीसीयू की 15th और इस साल की लास्ट सुपर हीरो मूवी होगी एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम। साल 2018 की सुपरहिट मूवी एक्वामैन ने सोलो मूवी दी डीसी कॉमिक्स के कैरेक्टर आर्थर करी को, जो मूवी के एंड में बन गया था एटलांटिस का किंग। एक्वामैन का सीक्वल इस अंडरवाटर वर्ल्ड के बाकी डेंजर्स और चैलेंजेस को दिखाएगा एंड विलन्स में उसका कॉमिक्स का आर्च नेमेसिस ब्लैक मैंटा के अलावा एक और पावरफुल वाटर वर्ल्ड का विलन भी दिखेगा। बट इस बार सिचुएशन कुछ ऐसे होने वाली है कि आर्थर को एक ऐसा अलायंस बनाना पड़ेगा जिसपे वो ट्रस्ट नहीं करता, और ये मोस्ट प्रॉबली फर्स्ट पार्ट का विलन ऑरम हो सकता है। वाटर वर्ल्ड की मूवी होने की वजह से इस फिल्म के विजुअल्स काफी अच्छे होने की उम्मीद है। बट देन एक्वामैन का ये पार्ट डीसीयू में इस कैरेक्टर का भी एंड होने वाला है, बिकॉज लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से जेसन मोमोआ को डीसीयू में एक न्यू कैरेक्टर लोबो के रूप में रिकास्ट करने का प्लान है। एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम रिलीज होगी 25 दिसंबर 2023 को। इस लिस्ट में से आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है कमेंट में लिख देना। इन सुपर हीरो मूवीज के अलावा इस साल बहुत सारी एक्शन एडवेंचर और साईफाई मूवीज भी आ रही है। अगर इस वीडियो को 1000 लाइक्स मिल गए तो वो वीडियो मैं जल्दी पोस्ट करूंगा, तो ये वीडियो लाइक भी कर देना क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।